सुप्रभात बच्चों, जैसे कि सुभाषितानी लेसन में से हमने कल 4 श्लोक पढ़ लिए थे, आज हम पांचवा और छठा 2 श्लोक और पढ़ेंगे। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, पांचवा श्लोक क्या है, धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च तय लज सुखी भवे। अब देखो अन्वय क्या दिया हुआ है, अन्वय दिया हुआ है धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च तयक्त लज सुखी भवेत। अर्थात धन धान्य प्रयोग सु, धन धान्य के प्रयोग में विद्या संग्रह सु च, विद्या के संग्रह में आहारे व्यवहारे च तयक्त लज सुखी भवेत। आहार मतलब भोजन खाना में और व्यवहार, जैसा हम व्यवहार किसी के साथ करते हैं, में जो व्यक्ति लज्जा मतलब संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। किस किस चीज़ में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में खाने में और व्यवहार में, जो व्यक्ति लज्जा संकोच नहीं करता है वह सुखी रहता है। 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में व्यक्ति संकोच नहीं करता है तो सुखी रहता है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट है वो है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया की न साधेते शांति खग करे यशय की करिषेति दुर्जने। अन्वय देखो, क्षमा वशीकृति के लोके क्षमया की साधयते यशे करे शांति खड़ग अस्ति दुर्जने तस्य की करिष्यति अर्थात किमपि न। अब देखो शुरुआत से कि क्षमा वशी करति लोके, इस संसार में लोक में संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, वश में करना काबू में करना सबसे बड़ा वशीकरण क्या है, क्षमा है। यसे करे शांति खग अस्ति, क्षमा करने से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है, हर काम किया जा सकता है किसे, क्षमा से। दुर्जने तस्य की करी से यति, दुर्जने तस्य किम करी शेति, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, कि जिसके हाथ में शांति है वो तो क्या है, शांत रहता है। फिर है दुर्जनम तस्य किम करी शेति, दुर्जन उसका क्या कर सकते, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात किम्पि न, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या समझ में आया कि इस संसार में क्षमा है वो सबसे बड़ा वशीकरण है और उससे हर काम संभव है, और जिसके हाथ में शांति नामक तलवार है उस व्यक्ति का दुर्जन जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उस व्यक्ति का जो दुर्जन है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब देखो हमने कल 4 श्लोक पढ़ लिए थे, 2 यहाँ पर पढ़ लिए, आज पढ़ लिए। इसके बाद आपके 6 श्लोक थे, वो मैंने अन्वय और हिंदी अनुवाद आपको समझा दिया। अब आपको ये 6 के 6 4 कल कर लिए और 2 आज नोटबुक में करने, और साथ साथ में इनको लर्न भी करना है, साथ साथ में लर्न भी करना है, याद भी करना है, सिर्फ लिखना नहीं है, लिखकर इनको याद भी करना है। और कल हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।